फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लासिकल अप्रोचेस के अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या आप हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारी बेसिकली तीन फेसेस हैं थ्योरीज के। फर्स्ट हमारी आई थी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, देन न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड देन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। जो हमारी क्लासिकल, इनको हम अप्रोचेज भी बोलते हैं, जो हमारी क्लासिकल अप्रोचेज थी, इसके अंदर हमारी तीन आती हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक। जो हमारी पहले ये क्लासिकल अप्रोचेज आई थी, इनका बेसिकली क्या था, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। इसके बाद हमारी आई न्यू क्लासिकल थ्योरी, इसके अंदर हमारी दो आई, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। इसके अंदर हमने की ह्यूमन स्टडी को और उनको प्रेफरेंस दी, जो हमारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारी थर्ड थ्योरी आई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसके अंदर हमारी बेसिकली दो इंक्लूड होती हैं, सिस्टम अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच। ये थी हमारी क्लासिकल अप्रोच और न्यू क्लासिकल अप्रोच का कॉम्बिनेशन, कि इसके अंदर हमने प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी है और हम ह्यूमन स्टडी भी करनी है, एम्प्लॉय को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टेलर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, जो हमारी आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमारी, अब हम सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट पेज था, दैट इज क्लासिकल अप्रोचेस। तो क्लासिकल अप्रोचेस में हमारी फर्स्ट जो है वो हमारी है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले हमें बताना चाहिए कि क्लासिकल अप्रोच क्या होती है। क्लासिकल अप्रोच जो थी, ये स्टार्ट हुई थी अराउंड द ईयर 1900, और इसके अंदर हमारा क्या था कि इवन आज के टाइम पे भी ये एक्सेप्ट की जाती है कहीं कहीं पे। और इसका जो स्ट्रेस था वो किस चीज़ पे था, प्रोडक्शन पे था, इंस्टेंट ऑफ मैन पावर। और ये बिलीव करती थी कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं बाय द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, ना कि वो ये नहीं है कि हमने उनको सेटिस्फाई करना है या फिर उनकी कोई और भी नीड है। वो इसमें सिर्फ इतना देखा जाता था कि जो एम्प्लॉय, अगर हम उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, वो मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़, ये थ्योरी है, वो इस चीज़ के अंदर बिलीव करती थी। अब जो हमारे ये तीन हैं इसके अंदर मैनेजमेंट, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक क्लासिकल अप्रोच के अंदर, तो इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम पिलर्स ऑफ क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो F.W. Taylor ने दिया था, और F.W. Taylor को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो F.W. Taylor थे, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1856 टू 1915 तक था इनका जो भी टाइम पीरियड था। और इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टडी करी, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया टेलर ने। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पे क्या कंक्लूड किया, इन्होंने कि जो मतलब एम्प्लॉय को काम दिया, लेबर से काम करवाया गया, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी। इन्होंने सोचा था कि यहाँ इस लेवल तक जो एम्प्लॉय है वो काम करेंगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जो लेबर ने काम किया वो जो इन्होंने सेट किया था ऑब्जेक्टिव कि यहाँ तक काम होगा, इस लेवल तक काम होगा, उसके कंपैरिजन में बहुत कम उन्होंने जो काम किया, ठीक है, दैट द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ लेबर वॉज डूइंग वॉज फार लेस एज कम्पेयर टू वट ही वॉज पोस्ट टू बी डूइंग। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये प्रॉब्लम है इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो इसके लिए इन्होंने रिसर्च की। फिर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। ये किया था इन्होंने 1903 में। फिर 1911 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्रिएटेड रिपल्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट जो इन्होंने ये बुक लिखी थी उसके अंदर इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन्होंने इसके अंदर बेसिकली आठ जो एलिमेंट्स थे वो बताए थे। फर्स्ट था हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग, देन प्लानिंग, देन स्टडी ऑफ द डिफरेंट वर्क्स, देन हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, देन स्टैंडर्डाइजिंग, देन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस, देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन इज मेंटल रिवेल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट, हम सबसे पहले की बात करते हैं, फर्स्ट हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है,
तो इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया साइंटिफिक टास्क सेटिंग में, कि जो मैनेजर है वो डिटरमाइन करेगा हर एम्प्लॉय के लिए, जो भी हमारे वर्कर हैं, केयरफुली उनकी अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करके उनके अकॉर्डिंग एक टास्क है वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, उनको बताया जाएगा कि तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हें ऐसे काम करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो अपने जो एक अगर उनको काम फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इससे उनकी जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस किस पे था कि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो इन्होंने एक ऐसी कंडीशन दे दी, ठीक है, कि पर डे तुम्हें इतना काम करना है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम दे दिया और इससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती थी। फिर उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल हमें क्या दिया, जो सेकंड था इनका, कि प्लानिंग, कि सब कुछ हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू, कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन वो काम करेगा। तो ये सब कुछ पहले ही प्लान होना चाहिए, ये नहीं है कि हम जैसे प्लानिंग पहले हमने कर ली फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे, जिससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके और हम हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सके। फिर उन्होंने थर्ड जो एलिमेंट दिया, दैट इज़ स्टडी ऑफ वर्क। इसके अंदर हमारे इन्होंने वैसे तो फोर्थ पार्ट में आगे डिवाइड किया, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो भी है हमारा वर्क है वो, इसके अंदर हमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट चाहिए विद मिनिमम पॉसिबल एफर्ट। तो वो एफर्ट जो हमारे मिनिमम होने चाहिए और जो हमारे आउटपुट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आगे इसको फर्दर चार एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट था हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में इन्होंने क्या बताया कि किसी भी काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, क्या हमारा प्रोसेस होगा और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि जो हमारी कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो मिनिमम हो और जो हमारे हम मैक्सिमाइज कर सके क्वालिटी को और जो कंज्यूमर सेटिस्फाई लेवल है वो भी मैक्सिमाइज हो। तो ये था हमारा मेथड स्टडी में। फिर इसके बाद इसी में इसी के अंदर इसने सेकेंड दी मोशन स्टडी, कि तब वर्कर काम कर रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, कि वो एक बार उठ रहा है फिर खड़ा हो रहा है फिर वो ये चीज़ लेके आ रहा है फिर वो लेके आ रहा है, मतलब सब कुछ प्लान होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, जिससे वो क्या होगा अगर वो ज़्यादा मूवमेंट होगी काम करते हुए तो एम्प्लॉय थक जाएगा और अपना फुल एफर्ट नहीं दे पाएगा काम करने में। फिर इसने तीसरी स्टडी दी इसके अंदर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की हर एक्टिविटी को करने के लिए एक्सपीरियंस के बेस पे एक एवरेज टाइम सेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, मतलब दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच, कि एक मतलब एस्टिमेट टाइम लगा लिया कि इस काम को करने के लिए एवरेज टाइम है वो इतना लगेगा और फिर जो वर्कर्स को बता दिया गया भी इतनी देर में ये काम हो जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को वो ताकि अच्छे से मैनेज कर सके। इसके बाद इसी के अंदर उन्होंने दी फोर्थ स्टडी, दैट इज़ फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी में इन्होंने क्या बताया कि तब वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि वो पूरा दिन कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, उनको बीच में क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी एनर्जी वापस लेके मतलब फुल कैपेसिटी से काम कर सके। तो अगर उनको बीच बीच में रेस्ट मिलेगा तो वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी और जो रिलेशन है अच्छे होंगे, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होंगी और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये चार स्टडी इन्होंने इसके अंदर दी थी, स्टडी ऑफ वर्क के अंदर, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। फिर उन्होंने फोर्थ स्टडी दी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इन्होंने इसके अंदर बताया कि पहले हम देखेंगे पर्टिकुलर काम के करने के लिए उसके अंदर हमें क्या क्या क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी पर्सन है उसको सिलेक्ट करेंगे जो उस काम को करने के लिए कैपेबल होगा, राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन विदाउट एनी बायसनेस, कि हमने ये नहीं कोई भेदभाव नहीं करना, जो उस काम के लिए सुटेबल है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे और उसी को वो काम देंगे। अगर हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे टेक्निक, देखो एनवायरमेंट चेंज होता है, न्यू टेक्निक आती है तो वहाँ पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, तो फिर वहाँ पर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। फिर इन्होंने फिफ्थ दी स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर क्या बताया इन्होंने, तीन यहाँ पे हमारे मेन होते हैं, कि हमने पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर को स्टडी करके हमने स्टैंडर्ड को सेट किया कि
ये टाइम, ये जो काम है ये कैसे होगा, ठीक है, कितने टाइम में होगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसी कंडीशन चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो उस काम को सेट किया, और फिर वो कितने टाइम में होना चाहिए, अगर वो हमारा जो एक्चुअल में वर्क फिर जो हुआ हम वो देखेंगे, और जो हमने सेट किया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, अगर हमें कहीं पर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप लिखे हुए हैं। फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड को सेट किया, फिर हमने अपनी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निकाल ली, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके अगर कहीं भी डेविएशन आते हैं फिर हम वहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन्होंने 6th दी हमें, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ फेजेस। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। यानी ये हमें क्या बताती है, जो डिफरेंस होता है हमारा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, जो वर्कर है, जो हमारे इम्प्लॉई है, कोई अच्छे से काम कर रहा है, बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बट जो वर्कर है जो अच्छे से काम नहीं करेंगे उनको फिर जो वेजेज है वो कम दी जाएगी। इससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, हर इम्प्लॉई क्या चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और इम्प्लॉय भी क्या जो उसका मोरल इंक्रीज होगा, और जो बाकी के इम्प्लॉय है वो उसको देख के वो चाहेंगे कि मैं हम इससे भी ज़्यादा करें, तो इससे हमारी ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो रही है। फिर उन्होंने 7th दी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या बताया कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वर्क को हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल पार्ट्स, और हर जो जिसका जो ईच पार्ट है वर्क का वो एक्सपर्ट को असाइन किया जाएगा, जो भी मैनेजर होंगे उनको दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो काम है वो अच्छे से होगा। ये हमारा जो बेस था, टोटली बेस था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कर सके, उनको प्रॉपर हम ये बता दें कि आपका ये काम है, ठीक है, स्मॉल पार्ट में हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया और फिर एक्सपर्ट को वो असाइन कर दिया कि आपका ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उनको थोड़ा थोड़ा काम दिया है वहां से उनको कहां क्या क्या करना है वो अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा काम का बर्डन नहीं होगा। फिर था हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें इन्होंने क्या बताया जी कि जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट का और वर्कर्स का, तो वो आपस में कंपटीशन का नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट है जो वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए, जो भी उनके अंदर काम है वो भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो किसी भी तरह से उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक काम कर रहा है दूसरा बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि दोनों के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर रिलेशन अच्छा होगा मैनेजर और वर्कर के बीच में तो उनका माइंडसेट अच्छा होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो अच्छी होगी, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बता गया। तो ये थी 8 जो एलिमेंट्स थे हमारे जो साइंटिफिक स्टडी में दिए गए थे। किसने दिए थे, अभी पढ़ा था हमने, किसने दिए थे, ये F.W.Taylor ने दिए थे। इसके बाद हमारे आते हैं वीकनेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी क्या क्या वीकनेस थी। तो वीकनेस देखो हम यहाँ पे क्या करें, तो यहीं से एक आइडिया आ रहा है कि क्लासिकल अप्रोच किस पे ज़्यादा फोर्स करती है, किस चीज़ पे स्ट्रेस देती है, कि हमने सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, जो हमारे ह्यूमन स्टडी है, जो एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको ये क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है उसको बिल्कुल ही इसने अवॉइड कर दिया था, उनकी हेल्थ क्या है, वेलफेयर, मतलब जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो ये वाले जो फंक्शन थे, ये वाली जो एक्टिविटी थी, इन चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड किया गया, और इसी ड्रॉबैक की वजह से हमारी फिर न्यू क्लासिकल अप्रोच आई जिसके अंदर हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस थी, फिर मॉडर्न अप्रोच आई जो इन दोनों की वीकनेस को रिमूव करती है। तो ये थी हमारी कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्लासिकल अप्रोच के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा है। सो अगर आपका इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।